लीजिए अब अनमोल वचन लेके आ रहे हैं हमारे साहब राम कुमार दास, उनके मुखारविंद से जीवन का अनमोल वाणी श्रद्धा पूर्वक सुने। साहब बंदगी, साहब बंदगी, साहब बंदगी, साहब बंदगी। गुरुदेव कहते हैं कि मैंने जिंदगी से पूछा, सबको इतना दर्द क्यों देती हो? जिंदगी ने हंसकर जवाब दिया कि मैं तो सबको खुशी देती हूं, पर एक की खुशी दूसरे का दर्द बन जाती है, इसीलिए सब दुखी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बदल गया हूं मैं, कुछ लोग कहते हैं कि बदल गया हूं मैं, उसको ये नहीं पता कि संभल गया हूं मैं। उदासी आज भी मेरे चेहरे पर झलकती है, पर अब दर्द में भी मुस्कुराना सीख गया हूं मैं। कहते हैं लोग दुश्मनी से डरते हैं, साहब कहते हैं शख्सियत अच्छी होगी तभी दुश्मन बनेंगे। शख्सियत का अर्थ होता है कारण, वरना बुरे की तरफ देखता ही कौन है? जो बुरे लोग हैं, बुरे जिनका आचरण है, बुरा जिनका व्यवहार है, कर्म है, उनके तरफ कोई देखता ही नहीं। जिनका कर्म व्यवहार अच्छा हो उनके ही कोई दुश्मन बनना पसंद करता है। कहते हैं कि शख्सियत अच्छी होगी तभी दुश्मन बनेंगे, वरना बुरे की तरफ देखता ही कौन है? पत्थर भी उसी पेड़ पे फेंकते हैं लोग जो फलों से लदे होते हैं। क्या देखा है आपने किसी को सूखे पेड़ पर पत्थर मारते हुए? नहीं। समय एक सा नहीं रहता है, सबका बदलता है। पहले जो कपड़ों अंग्रेजों ने पहनकर उनके गवर्नर जो लोगों को धमकाते डराते थे, वही हिंदुस्तान में आज समय बदल गया है, हमारे बैंड वाले पहनते हैं। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जिंदगी को अगर समझना है तो बीते हुए कल को देखना होगा। जिंदगी जीना है तो आगे देखो, अगर जिंदगी में कुछ करना है, उसका सुख भोगना है, तो आगे देखना होगा। जीवन में दो चीजें कभी अंत नहीं होती, एक में भगवान की चर्चा, दूसरा मनुष्य की व्यवस्था। ये दोनों चीज का कभी अंत नहीं होता। गुरुदेव कहते हैं किसी के सुख का कारण बनो, भागीदार नहीं, और किसी के दुख का भागीदार बनो, कारण नहीं। आनंद एक आभास है जिसे हर कोई ढूंढता रहता है, दुख एक अनुभव है जो आज हर एक के पीछे, फिर भी जिंदगी में वही कामयाब होता है जिसे अपने आप पर विश्वास होता है। जैसे एक नदी के किनारे बैठे थे एक साधु, किसी ने पूछा बाबा क्या कर रहे हो? साधु कहते हैं कि बच्चा इंतजार कर रहा हूं कि ये पूरी नदी का पानी चला जाए, तब मैं पार करूंगा, मुझे उस पार जाना है। हंसते हुए उस व्यक्ति ने बाबा से कहा कि बाबा कैसे बात कर रहे हो, पूरी पानी बहने के इंतजार में तो तुम कभी भी नदी पार नहीं कर सकोगे। साहब बोले यही तो मैं समझाना चाहता हूं कि तुम लोग सदा कहते रहते हो कि एक बार जीवन की जिम्मेवारी पूरी हो जाए तो मैं मौज करूंगा, तब भक्ति करूंगा, तो विचारो कि जिस प्रकार नदी का पानी कभी नहीं खत्म होती, ठीक उसी प्रकार ये जीवन का काम कभी खत्म नहीं होती, चाहे जीवन खत्म क्यों ना हो जाए।
साखी साखी ज्ञान की समुझी मन माही, बिनु साखी संसार का झगड़ा छूटत नहीं। सदगुरु कहते हैं कि ये जो साखी है, ये जो शब्द है, ये एक गवाह होता है, एक प्रमाण है कि ये सत्य है। प्रभु से प्रार्थना करो कि इतनी ही मेहरबानी मैं मेरे ईश्वर बनाए रखना जो रास्ता सभी सही हो, उसी पर चलाए रखना। ना दुखे दिल किसी का मेरे शब्दों से, इतना रहम तू मेरे गुरुदेव बनाए रखना। धन धन साईं तू बड़ा, तेरी अनुपम रीति, सकल भुवन पति साईया होए कर रहे अतीत। बिना पांव का पथ है, बिना बस्ती का देश, बिना रूप का स्वरूप है, कहते हैं सदगुरु संदेश। साहब कहते हैं कि जिस जहां से मैं आया हूं, जहां मुझे जाना है, वो बिना पांव का पथ है, यानी वो रास्ता पर इस पांव से नहीं जा सकते। बिना बस्ती का देश, वो देश जो है वहां मकान झोपड़ी घर द्वार नहीं होता। बिना रूप का स्वरूप है, वहां किसी के पास कोई रूप नहीं होता, सिर्फ स्वरूप होता है। आत्मा और परमात्मा होते हैं, निराकार होते हैं, यही हमारे सदगुरु संदेश देते हैं। कहते हैं ओंकार मन माया है, शून्य शहर में है वास। ओंकार जो है ये मन है, ये माया है, शून्य के अंदर उसका वास है। काल का दूत ज्यादा है संसार में, मारना मरना झूठ बोलना किसी को फंसा देना, आगे किसी के रिलेशन तोड़वा देना, ये सब काल का काम होता है। कहते हैं कि ओंकार मन माया है, शून्य शहर में वास, अमर पुरुष प्रकाश है सुख सागर में वास। हमारे सदगुरु कहते हैं कि जब तक सांस है टकराव मिलता रहेगा, जब तक रिश्ते हैं घाव मिलता रहेगा, पीठ पीछे जो बोलते हैं उन्हें पीछे ही रहने दो। अगर हमारा कर्म भावना सही है तो, और रास्ता सही है, गैरों से भी लगाव मिलता रहेगा। परिवार से बड़ा कोई धन नहीं है। सदगुरु कहते हैं कि परिवार से बड़ा कोई धन नहीं होता इस संसार में, पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं है, माँ की छांव से बड़ी कोई दुनिया नहीं है, भाई के अच्छा भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं है, बहन से बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं है, पत्नी से बड़ा कोई दोस्त नहीं है। इसलिए परिवार के बिना जीवन जीवन नहीं है। सदगुरु कहते हैं कि जिसके पास कुछ भी नहीं है उस पर दुनिया हंसती है, जिसके पास सब कुछ है उस पर दुनिया जलती है। मेरे पास जैसे अनमोल रतन है, मेरे पास आप सबों के जैसे अनमोल रतन है जिसके लिए दुनिया तरसती है, हमसे बड़ा धनवान कोई नहीं। सदगुरु कहते हैं कि मेरा परिवार जो है हमसे बड़ा किसी का परिवार इस संसार में नहीं। एक कागज का टुकड़ा गवर्नर के हस्ताक्षर से नोट यानी रुपया बन जाता है, जिसे तोड़ने मरोड़ने गंदा होने पर भी उसकी कीमत कम नहीं होती। ठीक वैसे ही आप भी ईश्वर गवर्नर के हस्ताक्षर हैं। जब तक आप ना चाहे आपकी कीमत कम नहीं हो सकती, तब तक आपकी कीमत कम नहीं होगा। आप अनमोल हैं, अपनी कीमत पहचानो। ये मानव सदगुरु कहते हैं कि आपका कोई कीमत नहीं,
आपका कोई जवाब नहीं, आप अनमोल हैं, आप लाजवाब हैं, आप अपने को समझें। कहते हैं प्रगता तो है, प्रगता तो वक्त है, कभी हालात के रूप में, कभी मजबूरी के रूप में। भाग्य तो बस आपकी, भाग्य तो बस आपकी काबिलियत देखता है, भाग्य तो आपकी काबिलियत को देखता है। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो, आप जैसे हो सर्वश्रेष्ठ हो, अच्छे बने रहो। साहब कहते हैं मत सोच कि मेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, मत सोच कि मेरा सपना क्यों नहीं पूरा होता, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। हिम्मत रखो, सब कुछ पूरा होगा। जिस इंसान का कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन के कभी अंधेरा नहीं, जीवन में कभी अंधेरा नहीं होते। सदगुरु कहते हैं कि जिंदगी में बेहतरीन सोच रखो, हर व्यक्ति का सम्मान करो और हर से कुछ न कुछ सीखो, क्योंकि सबको तो सब कुछ पता नहीं होता, क्योंकि सबको तो सब कुछ पता नहीं होता है, लेकिन हर एक को कुछ न कुछ जरूर पता होता है। साहब कहते हैं कि मुसीबत में अगर मदद मांगो तो सोच कर मांगो, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर के लिए होती है। साहब कहते हैं कि मुसीबत में अगर मदद मांगो तो सोच कर मांगो, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर के लिए होती है और एहसास ये जिंदगी भर, ये जो एहसान है ये जिंदगी भर का होता है। अब तुम्हें कौन बर्दाश्त करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये खुद पर विचार करो। क्योंकि कल एक इंसान रोटी मांग कर ले गया और करोड़ों की दुआएं दे गया, पता ही नहीं चला कि गरीब वो था कि मैं। एक इंसान कल एक इंसान रोटी मांग कर ले गया और करोड़ों की दुआएं दे गया, पता ही नहीं चला कि गरीब वो था कि मैं। जिस घाव से खून नहीं निकलता, समझ लेना कि वो जख्म किसी अपने ने ही दिया है। बचपन भी कमाल का था, खेलते खेलते चाहे छत पर सोए या जमीन पर, आंख बिस्तर पर ही खुलती थी। खोए हुए हम खुद हैं और खोजते भगवान को है। इंसान इस संसार में खुद खो गया है और ढूंढता भगवान को है। सदगुरु कहते हैं अहंकार दिखा के किसी रिश्ते को तोड़ने से अच्छा है कि माफी मांग कर वह रिश्ता को निभाया जाए। जिंदगी तेरी भी अजब परिभाषा है, सवर गई तो जन्नत, नहीं तो सिर्फ एक तमाशा है। सदगुरु कहते हैं खुशियां एक दिन में होनी चाहिए, तस्वीर में तो हर कोई मुस्कुराता है। खुशियां तकदीर में होनी चाहिए, तस्वीर में तो हर कोई मुस्कुराता है। जिंदगी भी वीडियो गेम की गेम सी हो गई है, एक लेवल क्राउंस पार करो तो अगला लेवल और मुश्किल आ जाता है। जिस प्रकार से हम गेम खेलते हैं कि एक लेवल अगर पार करें तो अगला लेवल जो होता है उससे भी मुश्किल होता है, उसको पार करें तो उससे भी कठिन लेवल आ जाता है, ठीक उसी प्रकार ये जिंदगी का भी दस्तूर है। इतनी चाहत तो लाखों रुपए पाने की नहीं होती, जितनी बचपन की तस्वीर देखकर बचपन में जाने की होती है।
हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। साहब कहते हैं कि तुम्हारा अपना क्या है विचारो, जन्म दूसरे ने दिया है माँ है, नाम दूसरों ने दिया बुजुर्ग है, शिक्षा दूसरे ने दिया गुरुजी है, रोजगार दूसरे ने दिया वो पिता है, और शमशान भी दूसरे ने ही पहुंचाया, बताओ तेरा क्या है। तो व्यर्थ में घमंड किस बात पर हम करते हैं हम लोग। जिंदगी के बाद जब आत्मा ये शरीर छोड़ देगा तो विचारो ये संसार तुम्हें क्या देगा। जाने की गाड़ी नहीं बांस का दीवान होगा, जाने के लिए गाड़ी नहीं बांस का दीवान होगा, पहनने के लिए कपड़ा नहीं बिना ब्रांड का कफन होगा। सोने के लिए मकान नहीं श्मशान होगा जो कि सरकारी होता है। तो विचारो कि मुझे क्या करने में भला होने वाला है। ऐसा धन कमाओ कि जिंदगी के साथ ही और जिंदगी के बाद भी तुम्हारा ही रहे, ये धन सिर्फ प्रभु की भक्ति में है। सदगुरु कहते हैं कि मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा ना लगे, दिल ऐसा रखो कि किसी को दुखी ना करे, रिश्ता ऐसा रखो कि उसका अंत ना हो, कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता, हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाता है। जैसे जमीन अच्छी है खाद अच्छी है, परंतु पानी अगर खारा हो तो फूल खिलते ही नहीं। भाव अच्छे हो कर्म अच्छे हो, मगर वाणी खराब हो तो संबंध कभी टिकते नहीं। जो पिता के पैरों को छूता है वो कभी गरीब नहीं होता। सदगुरु कहते हैं कि जो अपने पिता का नित्यदिन पैर छूता हो वो कभी गरीब नहीं होता, जो माँ के वो कभी बदनसीब नहीं होता, जो माँ का चरण डेली छुए वो बदनसीब नहीं होता इस संसार में। बड़े जो भाई हैं उनका पैर छूने के बाद वो कभी गमगीन नहीं होता, जो बहन का पैर छूता है प्रेम करता है वो कभी चरित्रहीन नहीं होता, जो गुरु के चरण में चरण को छूते हैं उस जैसा कोई खुश नसीब नहीं होता। सदगुरु कहते हैं कि अच्छा दिखने के लिए मत जियो, बल्कि अच्छा बनने के लिए जियो। जो झुक सकता है वह सारी दुनिया को झुका सकता है, मगर बुरी आदत समय पर न बदली जाए तो बुरी आदत समय बदल देती है। चलते रहने से ही सफलता है, रुका हुआ तो पानी भी बेकार हो जाता है। झूठे दिलासे से स्पष्ट इनकार बेहतर है। झूठे दिलासे किसी को देने से उससे अच्छा है कि उस चीज से इनकार कर दो कि यह हमसे नहीं होगा। अच्छी सोच अच्छी भावना अच्छे विचार मन को हल्का करता है। मुसीबत सब पर आती है, कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है। दुनिया की ताकतवर चीज है लोहा, जो सबको काट डालता है। लोहे से ताकतवर है आग, जो लोहे को पिघला देता है। आग से भी ताकतवर चीज है पानी,
जो आग को भी बुता देता है और पानी से भी ताकतवर इंसान है जो उसको भी पीकर पचा देता है। इंसान से भी ताकतवर है मौत जो उसे खा जाता है और मौत से भी ताकतवर है दुआ जो मौत को भी टाल देता है। सदगुरु कहते हैं कि इस शक्ति पर विश्वास करो, इस शक्ति पर विचार करो, तेरा मेरा कहते एक दिन चले जाओगे, जो भी कमाया वो उस दिन यही रख जाओगे, कर ले कुछ अच्छे कर्म साथ यही तेरा जाना है। प्रशंसा से पिघलना मत, प्रशंसा शत्रु होते हैं। आलोचना से उबलना मत, आलोचना सच्चा मित्र होते हैं। निस्वार्थ भाव से सेवा कर्म करो, क्योंकि इस धारा का इस धारा पर सब धारा रह जाएगा। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, यह आत्मविश्वास है मेरा। मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, ये आत्मविश्वास है मेरा। लेकिन सिर्फ मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, ये अहंकार होगा। अहंकार से जिनका मन मैला है, करोड़ों के भीड़ में भी वह अकेला जीते हैं। जिंदगी के कुछ संबंध एक ऐसे होते हैं जो किसी पद या प्रतिष्ठा के मोहताज नहीं होते। वे स्नेह और विश्वास की बुनियाद पर टिके होते हैं। साहब कहते हैं, तालाब सदा कुएं से सैकड़ों गुना बड़ा होते हैं, फिर भी लोग कुएं का पानी ही पीते हैं, क्योंकि कुएं में गहराई और शुद्धता होती है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य का बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन उसके व्यक्तित्व